हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कमल स्वागत करता हूँ आप सबको मिरर ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम गूगल इंडिक कीबोर्ड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड में हम कैसे फोटो लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं ऐसा कोई जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। सबसे पहले आप जाइए अपना प्ले स्टोर में, जाने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए गूगल इंडिक कीबोर्ड। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बस इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, उनका कौन कंडीशन है उनको हम इनेबल करना पड़ेगा। मैं उसको इनेबल कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, मैनेज कीबोर्ड मतलब कौन सा कीबोर्ड में आपको चाहिए। अभी गूगल इंडिक कीबोर्ड यूज़ कर रहा है इसलिए इसको हम क्लिक करेंगे। हो गया ये स्टेप टू सिलेक्ट। ये देखिए, ये सैमसंग कीबोर्ड है मेरा मोबाइल का, इसको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सेट परमिशन मैं एलो कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट को। इसके बाद एक्सपेक्ट पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद रेडी टू गो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी चला आया गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, आपका जो कीबोर्ड का जो थीम्स आप कौन सा रखना चाहते हैं। मैं उसको अभी सिंपली इसमें क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अगर फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, मैं सिंपली कीबोर्ड पर क्लिक करूँगा। कीबोर्ड में क्लिक करने के बाद में जो थीम्स है, थीम्स में मैं क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से रहेगा। अगर अपना मोबाइल से कुछ फ़ोटो इमेज आपका फ़ोटो या किसी का फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो माई इमेज में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ से नहीं, मैं सिर्फ उसको यहाँ से गैलरी सिलेक्ट करता हूँ। गैलरी से जाने के बाद में मैं यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ करता हूँ, ये वाला। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। करने के बाद ये देखिए फ़ोटो आ गया। अभी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं छोटा कर दिया उसको थोड़ा, इतना तक। नेक्स्ट। हाँ, अभी मैं इसको, अभी कीबोर्ड का मतलब ब्राइटनेस कितना रखना है आपको, थोड़ा कम ही रखता हूँ। इतना मैं डन कर रहा हूँ। अभी हो गया ये मेरा कीबोर्ड का फ़ोटो लगाना। अभी हम देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। मैं प्ले स्टोर में फिर से जा रहा हूँ। अभी मैं कीबोर्ड, ये देखिए कीबोर्ड में जो फ़ोटो है वो आ गया है। अभी जो है हम यहाँ से जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दूसरा कुछ लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ से मैं अगर बंगाली सिलेक्ट करता हूँ तो ये बंगाली हो गया है। अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश में क्लिक लिख सकते हैं। अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप ये जो बंगाली है आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं उसको भी बैक कर रहा हूँ, मैं फिर भी इंग्लिश में आ गया हूँ। अभी अगर मेरे को फिर से अपना पहला वाला कीबोर्ड चाहिए तो मैं सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। करने के बाद में इसमें क्लिक कर दूंगा। अभी देखिए मेरा पहला वाला जो कीबोर्ड था वो ऐसा आ गया है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।